हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मात्र 40 रुपये का शेयर जबरदस्त ग्रोथ शो कर रहा है। अपने जो डिटेल्स देखोगे, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल डेटा आ रहा है, तो जबरदस्त ग्रोथ शो कर रहा है यहाँ पे। ये मात्र 240 रुपये का शेयर, पैकेजिंग इंडस्ट्री का ये एक स्मॉल कैप कहूँगा मैं शेयर है पैकेजिंग इंडस्ट्री का ये। चलिए बात करते हैं कौन सा डिटेल्स हैं, रिजल्ट कैसा रहा, क्या टेक्निकल हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं और किस तरीके से ग्रोथ शो कर रहा है, उन सब पॉइंट्स को फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। कंपनी का नाम आप खुद देखिए, हुतमाकी पीपीएल लिमिटेड, पैकेजिंग इंडस्ट्री का जबरदस्त स्टॉक, 1800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस 243 का है और पी रेशियो 31 के आसपास है, बुक वैल्यू 73, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कितना, 15%। डेट कंपनी के ऊपर जरूर 403 करोड़ का डेट है, अर्निंग पर शेयर 7-8 रुपये का है और डिविडेंड भी बढ़िया देता है। सेल्स ग्रोथ देखिए, 27% की सेल्स ग्रोथ इसकी है और प्रमोटर होल्डिंग 66%, जबरदस्त मैं कहूँगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ है इस स्टॉक का, अगर आप डिटेल्स देखोगे कि किस पीयर ग्रुप का ये स्टॉक है, यूफ्लैक्स, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, एसएल प्रोपेक, जिंदल पॉलीफिल्म और यहाँ पे ये सारे जो हैं ये पैकेजिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं जो पैकेजिंग इंडस्ट्री का मटेरियल बनाते हैं। और अगर आप ये स्टॉक को देखो और डिटेल्स देखो इसकी, देखिए 243 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बढ़िया यहाँ पे जंप देखने को मिला था फ्राइडे के टाइम पे, यानी कि 10 मई को अच्छा उछाल देखने को मिला था। और अब इसके अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए 603 करोड़ से जो सेल्स की फिगर है, देखिए 619 करोड़ की हुई है, बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है देखिए 32%, 65 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में 87 करोड़। और इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट देखिए आप, 17-18 करोड़ से नेट प्रॉफिट 42 करोड़ तक गया, ये तो और भी बेहतरीन यहाँ पे। चलिए ये तो आपने देखा ये चीज़ यहाँ पे। साथ में अगर मैं आपको और डिटेल में आपको लेके चलूँ तो देखिए किस तरीके से नेट सेल्स की फिगर बढ़े जा रही है। ये पिछले 4-5 क्वार्टर का डाटा है, 545 करोड़, 588 करोड़, 595, 603, 619 करोड़, लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर इसमें परफॉर्मेंस में इंक्रीज आपको सीरियसली देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, बढ़िया बेहतरीन जंप मैं कहूँगा। और उसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, और यहीं पर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने के बाद, ये तो हमने क्वार्टरली बेसिस पे देखा, अगर हम इसी चीज़ को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कहाँ किस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए मार्च क्वार्टर में जो 545 करोड़ की सेल थी वो 619 करोड़ हो गई, प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा, 17 करोड़ का प्रॉफिट 42 करोड़ हो गया पिछले साल मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में, 136 करोड़ यहाँ पे बढ़ा टोटल। और अगर आप यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बढ़ा है, पिछले साल के कंपैरिजन में भी बढ़ा है, बढ़िया। और अगर आप पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हो डिटेल्स, तो क्वार्टरली बेसिस पे मतलब सेल्स जो है वो लगातार बढ़े जा रही है, और जितना ओवरऑल 3 साल का एवरेज है वो कितना है, 27% का सेल्स ग्रोथ है। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंट इस शेयर में देखने में कहूँगा। आप अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 66-67% का प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया, मैं 20 FII का इन्वेस्टमेंट, 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का इन्वेस्टमेंट, इतना छोटा सा स्टॉक है लेकिन फिर भी बेहतरीन कर रहा है। और साथ में इसका अगर आप टेक्निकल देखें, टेक्निकली स्टॉक को देखें तो आपको बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग लगेगा। डाउन ट्रेंड ये देखिए 350-60 के लेवल से ये स्टॉक अभी ख़त्म हुआ है, नीचे आया है और यहाँ पे इसने अपने डाउन ट्रेंड की लाइन को पार करके ऊपर, ये देखिए 195 के लेवल पे, 190 के लेवल पे पार किया था और अब बिल्कुल नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे क्या खास है, आप सोच रहे होंगे कि क्या खास है, मुझे यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने बताने को लग रही है वो है ये देखिए, आप जब इस स्टॉक ने 15 जनवरी 2018 को हाई बनाया था, फिर सेकेंड टाइम इसने कोशिश करी थी वही हाई बनाए लेकिन उस रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर पाया। अब आप सोचोगे पार नहीं कर पाया तो क्या हमको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए था, हमारे पास क्या सिग्नल्स थे कि हमें एग्जिट कर जाना चाहिए था, तो मैं कहूँगा ये एक डबल टॉप पैटर्न बना यहाँ पे, डबल टॉप पैटर्न आप खुद देखिए, बिल्कुल इक्वल दोनों टॉप बने हुए हैं और ये एक लाइन थी जहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ से इसको तोड़ के नीचे गया, वापस इसी लेवल को इसने टच किया फिर और नीचे आया। आप यहाँ पे अगर इस हाई पे जो ये रेजिस्टेंस मिल रहा है वो RSI से बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो गया। देखिए ये दोनों हाई, देखिए दोनों हाई में जो सेकंड हाई बना उस पर कोई जोर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, वॉल्यूम बिल्कुल स्लो था। यही बात होती है कि अगर कुछ वॉल्यूम
हाई का साथ ना दे, तो मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, अब हमें निकल जाना चाहिए। वो यहाँ पे हुआ था और निकलने की कोशिश आपने यहीं हाई बनते ही कर लेनी चाहिए थी, और निकलते निकलते फिर तो रुकने का नाम नहीं लिया इसने, और गिरते गए शेयर। देखिए 150 60 के लेवल तक गया है, अब बाउंस बैक आया है, और रिजल्ट अच्छा आने के बाद उम्मीद है कि ये शेयर आगे और अच्छा करेगा। तो हमने यहाँ पे बात करी, ये शेयर अच्छा रिजल्ट आया है, पैकेजिंग इंडस्ट्री के ये स्टॉक है, हो तमाकी पीपीएल लिमिटेड इसका नाम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।